एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या। हेलो गाइस, लहराते हुए तिरंगे के साथ आपका स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं हूँ अभी यहाँ पर न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन। बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, मैं पहाड़गंज की तरफ हूँ। सो गाइस, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल और मैं आपका स्वागत करती हूँ एक्सट्रीम रोड से फिर एक बार। कल जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा तेजस एक्सप्रेस का, तेजस स्पेशल एक्सप्रेस, पूरी रात एडिटिंग में लग गई, अभी तक अपलोड भी नहीं हुआ है। देखते हैं, 15 मिनट ही बचे हैं दूसरी ट्रेन को बोर्ड करने में, नहीं इस ट्रेन को बोर्ड करने में। जय माता दी दोस्तों, और माता के दरबार में जा रही हूँ मैं आज वंदे भारत एक्सप्रेस से। तो वंदे मातरम, वंदे भारत को सलाम, और मैं अभी बोर्ड करने वाली हूँ 22439 वंदे भारत, जो कि न्यू दिल्ली से कटरा की ओर जा रही है। चलते हैं, जय माता दी। ये पूरी ट्रेन वातानुकूलित है। वैसे तो आपने मेरा पहला वंदे भारत का ब्लॉग देखा ही होगा, उसके लिंक मैं यहाँ पर दे देती हूँ। और ये दूसरी वंदे भारत है, पहला नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग हॉइस्ट किया था, और दूसरा इनॉग्रल रन जो है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। और मैं आज कमर्शियल रन में जा रही हूँ क्योंकि मैंने इनॉग्रल रन कर चुकी थी पहला वाला। ये बार मैंने सोचा मैं कमर्शियल रन करूँगी। मैंने लिया है सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, खुशी होती है। उस बार मीडिया जो है वो सारी थी है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि नवरात्रा चल रहे हैं, और नवरात्रा के टाइम पर इंडियन रेलवेज ने ये तोहफा दिया है न्यू दिल्ली से कटरा की ओर जाने के लिए, वैष्णो देवी के दरबार में माथा टिकने के लिए। मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं आज एग्जीक्यूटिव चेयर कार में जा रही हूँ, एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार, और ये रहा E2 मेरा कोच। ओके दोस्तों, तो ये है आपकी वैशाली आपके लिए ब्लॉग बनाती हुई, द फर्स्ट फीमेल ट्रेन ट्रैवल ब्लॉगर, और मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक्सट्रीम रोड्स पर। तो चले और इस सफर की शुरुआत करते हैं। डोर्स क्लोज हो चुके हैं, उसका मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस वैष्णो देवी की ओर जा रही है। 6 बजे हैं और एग्जैक्ट 6 बजे ये यहाँ से पुराने जान पहचान वालों को मिलते हैं, जैसे कि वंदे भारत का और मेरा अपना अलग सा एक साथ रहा था पहली वंदे भारत में, और तब से हम इन्हें जानते हैं। उदयवीर सिंह जी जो हैं वो केटरिंग मैनेजर हैं, और हमारे खाने पीने का ध्यान वो पूरी तरीके की स्पीड से चलती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस 2। चलिए, पानी की सेवा आ चुकी है। दिस इज नॉट वंदे भारत 2, ये है वंदे भारत 2.0। तो दोस्तों 655 किलोमीटर का रास्ता तय करके अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस 130 किलोमीटर पर आर की स्पीड से बढ़िया रफ्तार से, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर,
बढ़िया रफ्तार से चल रही है और एग्जैक्ट न्यू दिल्ली से ये 6 बजे निकल चुकी थी और एग्जैक्ट 2 बजे दोपहर को कटरा पहुंच जाएगी। 8 घंटे का ये सफ़र है, वैसे 12 घंटे लगते हैं दिल्ली से कटरा पहुंचने में, लेकिन ये ट्रेन 8 घंटे में पहुंचा देगी। दोस्तों, तेजस एक्सप्रेस का ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर अपलोड हो गया तो एडिटिंग हो चुकी थी लेकिन अपलोड ही नहीं हो रहा था, पता नहीं इंटरनेट को क्या हो गया था। अभी तक देखिए कितने परसेंट हुआ है। प्लीज हो जा, जल्दी हो जा ताकि मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स देख सके। तो हमारी कॉफी आ चुकी है 2-2-3-4-9 न्यू दिल्ली टू कटरा है। तो दोस्तों, हम जो कटरा की ओर जा रहे हैं तो हमारा फर्स्ट हॉल्ट होगा अंबाला, दूसरा होगा लुधियाना, तीसरा होगा जम्मू तवी। टोटल 3 हॉल्ट लेंगे और हम पहुंच जाएंगे। तो अपनी वंदे भारत में जो है कुल 16 कोचेज हैं और उसमें से 2 ड्राइवर कार हैं, 2 एग्जीक्यूटिव कोचेज हैं और 12 जो है वो चेयर कार हैं। वैसे मैं एग्जीक्यूटिव चेयर कार से आ चुकी हूँ, चेयर कार में फिर आगे जा रही हूँ, कुछ कोचेज का हम मज़ा लेते हैं। तो एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 2x2 है और चेयर कार में 2x3 है। तो यहाँ पे 2 चेयर हैं और यहाँ पे ये जेंटलमैन हाय विराजमान है 3 चेयर्स पर। तो दोस्तों, माता के दरबार में जाते हुए सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं और इस सफर का मजा ले रहे हैं। हमारे सबसे यंगेस्ट पैसेंजर हैं क्रिवा। ओके क्रिवा, 1, 2, 3। भी हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली सेंटर में बेसिकली सीट की पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में है जो कि मिलती है बीच में। यहाँ पर आपको टेबल मिलेगा सेंटर पर। जब आप कोई अच्छी चीज करते हैं और लोग उससे खुश होते हैं तो स्माइल्स बिखेरने में ज्यादा मजा आता है। डांस भी हो रहा है। वेरी गुड। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता। ये ट्रेन और उस ट्रेन में अंतर क्या हुआ है? दोनों ठीक है, दोनों कुछ थोड़ा सा चेंजिंग किया है। जैसे कि इसमें जानवर वगैरह आते थे, कॉकरोचर वगैरह के, कैटल गार्ड का। ओके दोस्तों, तो हम इस बोगी में फिर एक बार नारा लगाते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो। चलते चलते मुझे पता भी नहीं चला और मैं एक एंड से दूसरे एंड तक आ चुकी हूँ और यहाँ पर ड्राइवर कार आपको दिखाई दे रही है पीछे। हेलो, हु इज द कैप्टन? कैप्टन कौन है? ऑल आवर कैप्टन ऑफ बढ़िया। पहचाना? पहचान लिया। दैट्स गुड। आई एम फ्रॉम मुंबई। आई एम फ्रॉम मुंबई टू। हम फिर मिल रहे हैं
SN सहगल जी से, और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस भी इन्होंने चलाई थी, और जी बिल्कुल इनॉग्रल रन पर, और आज भी जो है हम उनके साथ हैं यहाँ पर ड्राइवर कार में। देखिए कैसी स्पीड में जा रही है, 130 की स्पीड है प्रॉपर। और यहाँ पे CCTV कैमरा का सारा जो है विजुअल्स यहीं पर आता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं फिलहाल ये स्पीड 95 है। वाव, फुल ऑन एक्साइटमेंट है इस ट्रेन में, और इवन ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर कार में भी कैप्टन भी बहुत एक्साइटेड है। और इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये एक्सेलरेशन पे फास्टर चलती है और डेसेलरेशन पर स्पीड रिड्यूस कर सकती है, इसीलिए ये जो है ट्रैवल टाइम रिड्यूस करती है ये ट्रेन। और ये हम प्राउडली कह सकते हैं कि वंदे भारत 2.0 हमारे भारत का एक गर्व करने वाला मौका है, और मेक इन इंडिया का बेस्ट चीज है, एग्जाम्पल है। और 18 मंथ के ड्यूरेशन में ये ट्रेन बनी थी पहली वंदे भारत, और ये दूसरी वंदे भारत पर मैं हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऑटोमेटेड डोर्स हैं, सेंसर से ओपन होते हैं, और दोस्तों एसी चेयर कार में जो है सीट्स आगे और पीछे थोड़ा सा स्लाइड होती है। जैसे मैं बता दूँ, और यहाँ पे ये छोटा है, नाम क्या है आपका? मनोज। आपकी मैडम है? अच्छा, सारे साथी हैं, एक साथ बोलिए जय माता दी। वैष्णो देवी कटरा स्टेशन तक जाएगी। यहाँ पर बेसिकली फिजिकली चैलेंज जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये सीट बनाई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। CCTV कैमरास लगे हुए हैं, GPS सिस्टम है, ताकि इमरजेंसी में यहाँ पर ड्राइवर कार तक जो है आपकी बात पहुँच सके। दूसरा जो है यहाँ पे आप टॉक भी कर सकते हैं, माइक है। ओके दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अम्बाला, और 8 बजे एग्जैक्टली अपनी ट्रेन जो है अम्बाला पहुंच गई है। जय माता दी। आइए आइए, अंदर भी मिलते हैं। ओके, दे आर सो एक्साइटेड। वेल, मैं फटाफट अंदर आ गई हूँ क्योंकि डोर्स कभी भी क्लोज हो सकते हैं, और ये ऑटोमेटेड डोर्स हैं, तो ट्रेन चलने से पहले बंद हो जाएंगे। वैसे हम 199 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं न्यू दिल्ली से अम्बाला तक। वाह, और अब तक का सफर मजेदार रहा। वैष्णो देवी जाके साष्टांग प्रणाम करना। अच्छी लगी है ना? कटलेट ओके, और आलू पराठा। वाह, कटलेट और आलू पराठा, और सैंडविच। ओके दोस्तों, तो नाश्ते में ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, आलू पराठा के साथ दही कटलेट और चीज सैंडविच। ओके दोस्तों, तो हम लोगों को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करने की आदत डाल देनी चाहिए, और यहाँ पर हमें स्पून मिल रहे हैं इको फ्रेंडली फोर्क, और इको फ्रेंडली जो है हमारे पास बटर नाइफ है।
तो 9:19 का इसका स्केड्यूल टाइम है और ऑलमोस्ट ही टाइम पर पहुंच चुकी है। तो 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है और 2 मिनट के लिए थोड़ा नीचे उतरा जा सकता है, कहीं ट्रेन चल रहे थे, इसका जो है डर रहेगा ऑलवेज, क्योंकि डोर्स ऑटोमेटेड है, कभी भी बंद हो सकते हैं। मेरे लिए अच्छा है कि क्योंकि साफ अंदर घुसेंगे तो मैं भी घुस जाऊंगी। खासियत ये है कि अगर समझो कि एक ही फैमिली के 4 लोग हैं तो वो आमने सामने बैठ करके इस सफर का और बड़े विंडो का मजा ले सकते हैं और आराम से जो है खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। तो आपको ट्रेन टूरिज्म का मजा लेना है तो वंदे भारत में आना चाहिए, राइट। तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव चेयर कार का मजा ये है कि ये 180 डिग्री में एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, लेकिन ये एसी चेयर कार में सुविधा नहीं है। एग्जीक्यूटिव चेयर कार में कुल 52 सीट्स हैं और एसी चेयर कार में जो है 78 सीट्स है। दोनों एंड पर 2 कोच हैं जो कि स्पेशली फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए बनाए गए हैं और उसमें 44 सीट्स हैं और उनके लिए टॉयलेट्स भी उन्हीं के लिहाज से बनाए गए हैं कि अगर वो व्हील चेयर में हैं तो व्हील चेयर में वो आराम से स्मूथ ब्लाइंड के लिए हेल्पफुल होती है। ओके दोस्तों, तो ये हमारे अब सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियोस काफी देखे इन्होंने लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। खैर, वैष्णो देवी का और अमरनाथ का वीडियो भी इन्होंने देखा हुआ है और थैंक यू कि आप मेरे व्यूअर्स रहे हैं और अब थैंक यू क्योंकि अब सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो ये हॉट एंड सार नॉर्थ का टोमेटो सूप पीता हुआ डांस, मुझे हॉट एंड सार सूप नहीं लेना था तो मैंने ऑप्शन लिया है टोमेटो सूप। साथ ही जोड़ीदार जो हैं वो अब जाने वाले हैं, जम्मू तावी पर उतरने वाले हैं और हमारा सफर यहाँ तक का रहा। दरवाजे बाएं तरफ खुले हैं, डोर्स ओपन ऑन लेफ्ट साइड। वाओ, तो जम्मू तावी का 2 मिनट का स्टेशन आ चुका है एंड ही इज वेरी मच वरीड कि 2 मिनट क्यों, लेकिन उसके पापा ने कहा 2 मिनट में रॉकेट उठ जाता है। तो जम्मू तवी पर ये 12:38 को आती है और 12:40 को निकल लेती है ट्रेन जम्मू तवी से कटरा की और माँ वैष्णो देवी के दरबार के लिए जा रही है। वाह दोस्तों, जैसे ही जम्मू तवी क्रॉस करता है स्टेशन वैसे ही आप खूबसूरत नजारों को देख सकते हैं और ये 180 डिग्री वाला जो सीट है वो बेस्ट है इस व्यू के लिए।
वैष्णो देवी के दरबार में कटरा पहुंच चुके हैं और ये ट्रेन का पूरा 8 घंटे का सफर बेहतरीन रहा। अभी 2 बज चुके हैं और हम एग्जैक्ट टाइम पर कटरा पहुंच चुके हैं। 1 मिनट अभी और बाकी है। ओके दोस्तों, ये बंगाल से हैं और ये अपने सब्सक्राइबर हैं। ओके दोस्तों, तो वंदे भारत का न्यू दिल्ली से लेकर के माँ वैष्णो देवी के दरबार तक कटरा में ये सफर बहुत ही उम्दा रहा और मैं बहुत खुश हूँ कि मेक इन इंडिया का ये प्रोडक्ट जो है हमारे लिए प्राउड फील करने के लायक है। इंडियन रेलवेज, कुडोस टू यू। इसी के साथ ही मैं ये ब्लॉग क्लोज करती हूँ। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल का बटन दबा लीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बने रहिए, फॉलो कीजिए www.extremeroads.com पर। आप कम्युनिटी पे आते रहिए। मैं इनका सब्सक्राइबर हूँ और काफ़ी देर से इनकी वीडियोस देखता हूँ और काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ हूँ और थोड़ी देर से मैंने भी ब्लॉगिंग शुरू की, ट्रेन ब्लॉगिंग, इनसे इंस्पायर्ड हुआ। थैंक यू सो मच। आपका राजधानी, आपका गुवाहाटी, आपका सारा कुछ कवर किया, आपने जो कवर किया सामने देखा हमने। आपका नाम क्या है और आपके ब्लॉग का नाम क्या है? मेरा नाम नितिन है, मेरे चैनल का नाम है द कंट्री साइड गाय। ओके, द कंट्री साइड गाय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। माँ वैष्णो देवी के दरबार में आके यहाँ की सीनिक ब्यूटी देखिए। स्टेशन से इतना खूबसूरत दिख रहा है। Wow, it's beautiful. Okay, bye everybody.